तो गाइस आज है हमारे पास ये आइसक्रीम स्टिक, और अगर आप हमारे चैनल पे रेगुलर है तो आपको पता होगा हमने लास्ट वीडियो में आइसक्रीम स्टिक से एक बहुत ही बढ़िया वॉल हैंगिंग क्राफ्ट बनाया था। तो आज भी हम आइसक्रीम स्टिक से कुछ अमेजिंग सा बनाएंगे। आज हम बनाएंगे एरोप्लेन। अब एरोप्लेन हम आइसक्रीम स्टिक से कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, इसको जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए आइसक्रीम स्टिक, 10 के आसपास लोगे तो बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लूंगा रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये मैं पीछे का विंग बना रहा हूँ एयरप्लेन में जो होता है पीछे। तो उसके लिए डायग्राम बना के मैं इसको आइसक्रीम स्टिक के ऊपर मार्क कर लूंगा, फिर उसके बाद ब्लेड की मदद से अच्छे से काट लूंगा। हाथ का ध्यान रखना, हाथ ना कट जाए। अब जो है एयरप्लेन के पीछे विंग में दो फ्लैप्स भी होते हैं, तो उसको बनाने के लिए मैं आइसक्रीम स्टिक के दो हिस्से लूंगा और उसके जो कोने होते हैं उसको मार्क करके मैं अच्छे से काट लूंगा। कटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब मार्कर का यूज करते हुए मैंने स्टार्टिंग में जो विंग काटा था उसका आउटलाइन बना लूंगा, क्योंकि इसी लाइन पे जो है मैं फ्लैप्स चिपकाऊंगा। तो फ्लैप्स चिपकाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ फेविक्विक। आप फेविकोल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफी टाइम लगेगा। तो कुछ इस तरीके से जो है इसके फ्लैप्स को मैं धीरे से अच्छे पोजिशन में चिपका दूंगा, ताकि ये एकदम बराबर सा रहे। ये कुछ इस तरीके से लगेगा कंप्लीट होने के बाद। अब जो है हम बनाएंगे एयरप्लेन की मेन विंग्स। तो मेन विंग्स बनाने के लिए मैं आइसक्रीम स्टिक के ऊपर जो है 45 डिग्री पे एक मार्क लगा दूंगा और उसी से मैं काट लूंगा। और दोनों विंग्स काटने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगेगा, जिसे हम इस तरीके से चिपकाएंगे। तो अब बारी आती है बॉडी स्ट्रक्चर की। तो बॉडी स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमें 6 आइसक्रीम स्टिक चाहिए, तो एक के ऊपर एक लगाएंगे, लेकिन इसको हल्का सा गैप देके हम ऊपर से और पीछे से जो है गैप देके इसको चिपका देंगे कुछ इस तरीके से। तो इसके लिए भी मैं फेविक्विक यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जल्दी चिपक जाता है इससे। तो चिपकने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप देख रहे हैं ऊपर से भी हल्का सा गैप है, नीचे भी हल्का सा गैप है। फिर उसके बाद एक आइसक्रीम स्टिक लूंगा मैं, और विंग का जो ये है पार्ट इसको मार्क करके मैं ये बीच का जो पार्ट है इसको हटा दूंगा। तो कटने के बाद आइसक्रीम स्टिक काफी छोटी हो जाएगी। तो ये थर्ड स्टिक कटने के बाद इसको पीछे साइड से भी जो है मैं थोड़ा सा बाहर निकाल के चिपकाऊंगा, और आगे साइड से भी बाहर निकाल के चिपकाऊंगा। तो इसके लिए भी सेम टेक्निक है, फेविक्विक को यूज करके इसको अच्छे से चिपका देंगे, ताकि ये मजबूती से चिपक जाए, कभी निकले ना। तो ये कंप्लीट होने के बाद अब बारी है विंग्स को लगाने की। तो विंग्स को लगाने के लिए भी मैं इसको डायगोनल टाइप में रखूंगा, 45 डिग्रीज एंगल पे जो काटा है उसको स्ट्रेट करके चिपका दूंगा कुछ इस तरीके से। अब बारी आती है ऊपर के स्ट्रक्चर को बनाने की। तो इसके लिए जो है अब हमें आइसक्रीम स्टिक्स को जो है पीछे साइड मूव करते रहना पड़ेगा, पीछे से हल्का हल्का सा बाहर निकालते रहेंगे उसको। आप देख रहे हैं पीछे से मैंने बाहर निकाल रखे हल्का सा। अब ऐसे ही करते हुए हमें 3 आइसक्रीम स्टिक ऊपर से लगाने हैं, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर टेल विंग लगा देंगे जो कि हमने स्टार्टिंग में बनाया था। अब बारी आती है इसको पेंट करने की। तो पेंट करने के लिए मैं ब्लैक पर्ल कलर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि हल्का सा मैट फिनिश देगा, उतना ज़्यादा ग्लॉसी फिनिश नहीं देगा। और विंग्स के लिए जो है मैंने येलो कलर चूज़ किया, और ग्लास वगैरह जो है विंडोज़ जो है उसके लिए मैं ब्लू कलर का यूज़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा इसमें कुछ बूस्टर्स ऐड किए जाए, जिसके लिए मैंने एयर ड्राई क्ले का यूज़ किया, सुपर क्ले कहते हैं इसे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसको हल्का सा रोल करके इसमें एक छेद सा बना देना है कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद इसको भी मैं फेविक्विक की मदद से अच्छे से जो है टेल विंग के नीचे चिपका दूंगा कुछ ऐसे। और ये हो गया हमारा आइसक्रीम स्टिक से बना हुआ एयरप्लेन रेडी। अब ये उतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन आइसक्रीम स्टिक से बना हुआ है तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नए क्राफ्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।